मैथ्स फाउंडेशन बैच के चौथा क्लास है और नंबर सिस्टम का चौथा पार्ट है। ऑलरेडी तीन पार्ट अपलोड हो चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो तीनों पार्ट जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर जब आप वीडियो के अंत में जाएंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा, क्लिक करते ही आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे। ठीक है, चलिए अब डायरेक्टली हम यहाँ पर सवालों पर चलते हैं। पहला सवाल आज का यहाँ पर देखिएगा, प्रथम छह समसंख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पर आपसे बोल सकता है प्रथम 20 समसंख्याओं का योग, प्रथम 40 समसंख्याओं का योग, कुछ भी बोल सकता है ना, सम हो गया विषम हो गया। तो इनको करने का तरीका क्या होने है दोस्तों, जरा गौर कीजिएगा। यहां पर देखिए प्रथम छह समसंख्याएं, तो समसंख्याएं कहां से शुरू होती हैं पहले तो ये आपको जानना पड़ेगा, है ना। तो समसंख्या जो पहला समसंख्या होता है दोस्तों वो हो गया हमारा दो, दो के बाद फिर क्या होगा, चार होगा, इवन नंबर, है ना, समसंख्या मतलब इवन नंबर। फिर इसके बाद छह हो गया, फिर उसके बाद हमको पहले छह समसंख्याओं के बारे में बात करनी है, यानी पहले सिक्स इवन नंबर्स। तो छठवां जो समसंख्या होगा वो कौन सा होगा, छठवां समसंख्या निकालने के लिए आप सीधे सीधे क्या करिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, छह समसंख्या यानी छठवां, तो छठवां समसंख्या, समसंख्या है तो दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी जो समसंख्या होगा वो हमारा क्या होगा, बारह हो जाएगा। ठीक ना, तो छठवां जो समसंख्या होगा वो हमारा बारह हो जाएगा। अब यहाँ से इन सभी का टोटल निकालना है। ठीक है, तो सम कैसे निकालते हैं दोस्तों, ज़रा गौर कीजिएगा, है ना, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर सम आपको निकालना है, तो सम का एक फार्मूला होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको पहले नोट कर लेना है कि क्या यहाँ पर हर एक नंबर के बीच का जो गैप है वो इक्वल है या नहीं है, है ना। तो देखिए इन दोनों के बीच गैप कितना है, दो का है, इन दोनों के बीच भी गैप दो का है, मतलब हर में दो दो का गैप होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब गैप इक्वल हो जाता है तो हम लोग एक ही फार्मूला लगाते हैं, जो सम होता है दोस्तों वो कैसे निकाला जाता है, वो निकाला जाता है n बाई टू, n का मतलब क्या हुआ, नंबर, है ना, n बाई टू इंटू ए प्लस एल, ए का मतलब हुआ पहला और l का मतलब हुआ लास्ट वाला नंबर। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो इसमें टोटल आपको छह संख्याएं मिलेंगी, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें देखा जाए तो, क्योंकि छह समसंख्याओं के बारे में ही बोला है, तो नंबर कितने हुए, छह नंबर हो गए। तो n के जगह पर क्या हो जाएगा, छह हो जाएगा और बटे में हमारा दो हो जाएगा, और पहला प्लस लास्ट, है ना, a प्लस l, तो पहला दो और लास्ट वाला बारह, तो दोनों को जोड़ दीजिए, दो प्लस बारह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका चौदह, इसको दो से काटिए तो ये आ जाएगा अपना तीन, चौदह तीन आपका ये हो जाएगा 42 यानी 42। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो 42 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर अगला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को करवाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो आप जाइएगा कहीं नहीं, ध्यान से हर एक प्रश्न को देखते रहिए। ठीक है, चलिए बेहतरीन ट्रिक बताएंगे हम आपको। एक लड़के को एक संख्या को 12 से गुणा करने के लिए कहा गया, भूलवश यानी भूल से वह संख्या को 21 से गुणा किया है एवं सही उत्तर से उसका उत्तर 63 ज़्यादा आता है, तो संख्या क्या थी, है ना। देखिए उसको एक संख्या दिया गया, कोई भी संख्या रैंडमली, मान लीजिए कि उसको एक संख्या x दिया गया, इस संख्या से उसको बोला गया कि भाई तुम 12 से इसको गुणा करो। ठीक है, 12 से गुणा ना करके वो गलती कर दिया, वो 21 से गुणा कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखते जाइएगा, ध्यान से समझिएगा कि भाई वो उसको किससे गुणा कर दिया, 21 से गुणा कर दिया, यानी इस संख्या को अगर हम 21 से गुणा कर देंगे तो 21x हो जाएगा, है ना। लेकिन उसको गुणा किससे करना था, उसको 12x से गुणा करना था, मतलब 12 से गुणा करना था, तो 12x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब जब हम इसको 21 से गुणा किए तो कुछ आ गया, ठीक है, और 12 से भी गुणा करेंगे तो कोई एक संख्या मिलेगा, है ना। अब कह रहा है कि यहाँ पर सही उत्तर से उसका उत्तर 63 ज़्यादा आ गया, 63 ज़्यादा आ गया, है ना। यहाँ पर देखिए, अगर वो 21 से गुणा कर दिया 12 के जगह पर, तो उत्तर कितना ज़्यादा आ गया, आना चाहिए था इतना, आ गया इतना, यानी यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा आ गया दोस्तों, कितना ज़्यादा आ गया, 63 ज़्यादा आ गया। मतलब यहाँ से देख सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो कितना हो जाना चाहिए, 63 हो जाना चाहिए, है ना। तो दोनों के बीच का अंतर, डिफरेंस कितना हो जाएगा, देख लीजिए, ये है 21x और ये है 12x, तो 21x में से 12x घटाएंगे जब हम, तो 21 में से 12 गया कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी 9x हो जाएगा। और 9x का ही वैल्यू यानी अंतर का ही वैल्यू आपको कितना दे रखा है,
63 दे रखा है। यहाँ से x का वैल्यू आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं कि 7 हो जाएगा, यानी जो हमारी मूल संख्या थी वो कौन थी दोस्तों, 7 थी, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं, पिछले वीडियोज़ में भी हमने इस टाइप के सवाल एक आध दो करवा रखे हैं, इसमें भी हमने करवा दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। देखिएगा अगला सवाल, अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम आपको एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट देने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट है हमारा डिजिटल सम का। डिजिटल सम यानी आंकिक योग, ठीक है। डिजिटल सम ध्यान से समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेते हैं तो बड़े बड़े सवाल चुटकियों में आपके हल हो जाते हैं। क्या डिजिटल सम है ना, यानी आंकिक योग, डिजिटल सम। अब इसको ज़रा गौर कीजिएगा, क्या होता है डिजिटल सम, है ना। देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास कोई संख्या दिया है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं 32.967 या फिर आप कह लीजिए यहाँ पर 4 है, ठीक है। अब आंकिक योग यानी डिजिटल सम का मतलब होता है इसमें जितने भी अंक दिख रहे हैं उसका योग निकालना है, उसका टोटल करना है। तो टोटल करिए ज़रा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 और 3 5, 5 और 9 कितना हो गया, 14 हो गया, 14 और 6 हो जाएगा 20, 20 और 4 24 हो गया, सभी का टोटल 24 आया। अब जो डिजिटल सम होता है वो एक अंक में आता है, लेकिन यहाँ पर तो 2 अंक है, तो फिर से इनको जोड़ दीजिए, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6, यानी इसका जो डिजिटल सम आएगा दोस्तों वो 6 आएगा। अब इसका यूज कैसे करना है ये भी हम आपको बताएंगे डिटेल में, घबराना नहीं है आपको, ठीक ना। अब देखिए, आप ऐसे ना करके डिजिटल सम और तरीके से भी निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि जितने 9 पूरे हो जा रहे हैं उनको आप काट दीजिए, उनको आप हटा दीजिए, है ना। तो देखिए 9 यहाँ पर ये पूरा हो गया, इसको काट दीजिए, हटा दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके डिजिटल सम में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो जो मिलाकर 9 हो जा रहा है उसको आप हटा दीजिए। यहाँ पर 6 और 3 मिलाकर 9 हो गया, हटा दीजिए। अब बचा क्या, 2 बचा और 4 बचा, 2 और 4 को जोड़िए, क्या 6 आया, बिल्कुल आ गया, है ना। तो इस तरीके से डायरेक्ट भी आप डिजिटल सम निकाल सकते हैं। तो डिजिटल सम का मतलब आप लोग समझ गए। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं ये ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मतलब ये है डिजिटल सम का कि यहाँ पर जब कोई इक्वेशन बनता है, या फिर जैसे हम आपको कहें यहाँ पर कि मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या है 36 है, मान लीजिए कि 363 है और प्लस 52 है ना। जब इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो इधर का डिजिटल सम और इसका जो आंसर आएगा, आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 और 6 5 11 के 1 और ये 3 2 5, यानी 415 आ जाएगा। तो इधर का डिजिटल सम और इधर का डिजिटल सम इक्वल आता है, बराबर आता है। तो मतलब ये हुआ भाई कि यहाँ पर इतने का इधर का डिजिटल सम इधर के डिजिटल सम के बराबर होगा, है ना। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि इधर का डिजिटल सम कितना होगा और इधर का डिजिटल सम कितना होगा, है ना, दोनों साइड का बराबर होगा और उसी के हिसाब से हम यहाँ पर आंसर को चूज कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा वेरीफाई करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 6 और 3 9 हो गया, इसका कितना बचा, 3 बचा, ठीक है। 5 और 3 ये कितना हो गया, 8 हो गया। 8 और 3 इन दोनों के बीच प्लस लगा है, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। 11 का मतलब 2 है ना, डिजिटल सम ले रहे हैं तो 11 यानी 1 1 मतलब 2 हो गया। तो इधर का डिजिटल सम आया 2, क्या इधर का भी 2 आएगा, पता कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 4 और 5 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10, है ना। अच्छा यहाँ पर कुछ गलती हो गया, चलिए यहाँ पर 7 होना चाहिए ना भाई, यहाँ पर 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 और 3 10, 10 यानी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इधर का डिजिटल सम। अब इसको देखिए, 4 और 5 9, 9 1 10, 10 का मतलब क्या हुआ, 1, ठीक है। तो इधर का डिजिटल सम इधर के डिजिटल सम के बराबर होता है। तो हमेशा इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इसी का उपयोग करते हैं हम लोग इस सवाल में, आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए डिजिटल सम का प्रयोग करते हैं और इसका उत्तर निकालते हैं चुटकियों में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 3 8 1 9 कट गया, बचा क्या, सिर्फ हमारे पास 2 बचा, ठीक है, क्योंकि 9 जितने पूरा के 9 हो जा रहा है ना, उसको हटा दीजिए आप, है ना। तो देखिए इधर इसका 2 हो गया, फिर प्लस यहाँ पर देखिए, 8 5 13 13 मतलब 4, है ना, डिजिटल सम 13 मतलब 4, 4 को हम लोग 7 में जोड़ेंगे तो 7 और 4 11, 11 का मतलब 2, ठीक है।
फिर यहाँ पर है प्लस, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 6 3 9 बचा 9, तो इसको 9 ले लीजिए। फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आप एक्स कर लीजिए और इक्वल टू, इधर का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 7 3 10, 10 का मतलब 1, समझ में आ गया कि नहीं। अब देखिए 2 2 4, 4 और 9 कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, 13 का मतलब कितना डिजिटल सम, 13, 1 और 3 यानी 4, तो 4 माइनस यहाँ पर क्या है एक्स है, एक्स और इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस एक्स के जगह पर क्या होना चाहिए दोस्तों, इस एक्स के जगह पर क्या होना चाहिए, तो भाई 4 में से 3 घटाएंगे तब ना 1 आएगा, तो एक्स के स्थान पर 3 होना चाहिए। और इसी प्रश्नवाचक का मान पूछा है, अब देख लीजिए कि चारों ऑप्शंस में से किसका डिजिटल सम 3 आ रहा है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में देखिए 2 और 1 3, इसका डिजिटल सम 3 आ जा रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं, तो उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा आपको। और इस ट्रिक का प्रयोग करके, डिजिटल सम का उपयोग करके आप लोग बड़े बड़े सवालों को चुटकियों में कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन के खासकर, ठीक है। अच्छा अब आप यहाँ पर कहेंगे कि औरों को चेक करके बताइए, यहाँ पर कितना हो जाएगा डिजिटल सम, 4 हो जाएगा, 3 1 4, यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, 5 3 8, यानी इसका डिजिटल सम 8 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 5 3 8 1 9, 9 तो खत्म हो गया, बचा 7, यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो सबका डिजिटल सम अलग अलग आया है, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड हमारा डिजिटल सम कौन सा चाहिए, 3 चाहिए, और 3 हमारा ऑप्शन नंबर डी का आ रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चाहे तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। क्या करना है आपको, 3251 587 369, इन तीनों को जोड़िए, फिर यहाँ पर इस 3007 को इधर ले आइए तो माइनस हो जाएगा, और ये एक्स आपका उधर चला जाएगा, समझ में आया ना। तो इसको जोड़ेंगे फिर 3007 घटाएंगे तो आपका 1200 आएगा फिक्स, आप चाहे तो करके देख सकते हैं, एक बार वेरीफाई ज़रूर करिएगा, ठीक है। फिर बताइएगा कि आपने जो ट्रिक बताया है वो सही में अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक ना। चलिए दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। बेहतरीन ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, टिप्स बता रहे हैं, इनको नोट करते चलिएगा, आप ज़रूर आपके मैथ्स के एग्ज़ाम में पूरे नंबर ला सकते हैं, चाहे वो कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हो, ठीक ना। एकदम बेसिक से हम आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, मैथ्स फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन बैच का मतलब ही होता है कि एकदम बेसिक से हर एक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना, उनका कॉन्सेप्ट बताना, उनका ट्रिक बताना, सबको साथ में लेकर चलना, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर अगला सवाल। तो देखिएगा यहाँ पर अगला सवाल, दो संख्याओं के मध्य अंतर का दोगुना उन संख्याओं के योगफल के बराबर है, यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि दो संख्याओं के मध्य अंतर का दोगुना दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर, बहुत आसान सा सवाल है, आप इसको लगा लेंगे, है ना। जो सवाल कर रहा है उसके हिसाब से करते जाइए। दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं में से एक संख्या तो दे ही दिया है आपको, 15 दे दिया है ना। तो एक संख्या 15 और एक संख्या 15 और यहाँ पर एक संख्या और हम मान लेते हैं x, ठीक है। तो दो संख्याएं हो गई, दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस, अंतर मतलब डिफरेंस का दोगुना, मतलब कि 2 times इसका दोगुना किसके बराबर है, दोनों के सम के बराबर है, योगफल के बराबर है। तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, एक है 15 और एक है हमारे पास x, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दूसरी संख्या निकालनी है, यानी x का वैल्यू निकालना है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 दूना 30, है ना, 15 दूना 30, चलिए कर देते हैं यहाँ पर 15 दूना 30, और ये कितना हो जाएगा, 2 का गुणा अंदर होगा तो माइनस का 2x इक्वल टू, इधर से हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 15 प्लस का x, ठीक है। चलिए x वाले को उधर भेज दीजिए तो प्लस दो एक्स उधर चला जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 30 में से ये 15 आके इधर घट जाएगा, तो 30 में से 15 गया, 15 ही आएगा, और इधर हो जाएगा आपका 3x। अब यहाँ से x का वैल्यू सीधे सीधे आपको दिख रहा है कितना, x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 5, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक ना। आसान सा सवाल था, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं, क्योंकि ये सवाल हम इसलिए लेकर आए थे क्योंकि बहुत लोगों को इसका लैंग्वेज नहीं समझ में आता है, वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। तो देखते हैं दोस्तों अगला सवाल, है ना, बहुत ज़बरदस्त सा सवाल है ये सवाल, वैसे ही जैसा हमने पहला नंबर सवाल किया था कुछ वैसा ही है। कह रहा है सीता 72 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का योग करना शुरू करती है तो उसे परिणाम क्या प्राप्त होगा, ठीक है। 72 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याएँ, तो 72 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याएँ कौन कौन सी होगी दोस्तों।
विषम का मतलब ऑड, प्राकृत का मतलब नेचुरल और संख्याओं का मतलब नंबर्स। तो ऑड नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, वो भी 72 से कम, 72 से छोटे, है ना। तो अगर हम देखें जो ऑड नेचुरल नंबर जहाँ से शुरू होता है वो होता है एक, है ना। अगला ऑड नंबर क्या होगा, एक के बाद तीन होगा, फिर उसके बाद पाँच होगा, फिर ऐसे ही करते करते 72 से कम तक जाना है। यानी 72 से कम हमारा जो ऑड नंबर होगा वो कौन सा होगा, 71 होगा, यानी 71 होगा। अब यहाँ पर ये तो वही हाल बन गया हमारा, इन सभी का टोटल निकालना है, सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर सम निकालना है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि इसमें कितने टोटल नंबर्स होंगे। अब एक बात बताइए दोस्तों कि हमारे पास एक से 72 तक अगर देखें तो टोटल कितने नंबर्स होंगे, टोटल 72 नंबर्स होंगे, है ना। और इसमें से आधे आधे सम और विषम संख्याएं होती हैं, मतलब आधे ऑड नंबर्स और आधे आपके इवन नंबर्स होते हैं। तो 72 का आधा क्या होगा, तो यहाँ पर 36 आपके ऑड हो जाएंगे, 36 ऑड नंबर्स होंगे और 36 ही आपके इवन नंबर्स हो जाएंगे। मतलब इसमें टोटल कितने नंबर्स होंगे, एक से लेकर 71 तक, मतलब एक से लेकर सीधे कह लीजिए कि 72 तक में, है ना, एक से लेकर 72 तक में प्राकृत संख्याओं में कितने ऑड नंबर्स हो गए, ऑड नंबर्स आपके हो गए 36। यानी एक से लेकर 71 तक जो विषम संख्याएं होंगी वो n बराबर यहां पर कितने हो जाएंगे दोस्तों, 36 हो जाएंगे। यही तो आपको डिसाइड करना है कि भाई इसमें n कितने होंगे, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो n का वैल्यू हो गया 36। आपको क्या फार्मूला बताए थे हम, n बाई 2 यानी 36/2 और इनटू पहला प्लस लास्ट। तो पहला क्या है, एक, और अंतिम वाला 71। तो एक और 71 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 72, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको काटिए तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 36 हो जाएगा, ठीक है। इसका एक ट्रिक भी आपको बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए 36 × 36 यानी 36 का स्क्वायर, है ना। अब देखिए दोस्तों हम आपको ट्रिक बताते हैं, दो नंबर्स का अगर आपको स्क्वायर करना है, दो डिजिट का कोई एक नंबर है उसका अगर स्क्वायर करना चाहते हैं तो हम आपको ट्रिक बताते हैं। आपको 36 का स्क्वायर करना है ना, किसी भी दो डिजिट वाले नंबर का आप स्क्वायर इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, इस यूनिट डिजिट का, यूनिट प्लेस पर जो नंबर है इसका स्क्वायर करिए। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 का आया आपके पास 6, हासिल में कितना आया 3, ठीक है। फिर यहाँ पर जो तीनों नंबर्स दिख रहे हैं आपको, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 × 3 = 18, 18 × 2 = 36 कितना हो जाएगा, 36। उस 36 में आपको इस जो आपके पास रखा हुआ है हासिल इसको जोड़ना भी है, है ना। तो 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39, 39 का 9 हासिल, फिर 3 आ गया, ठीक है। अब आपको लास्ट में क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, मतलब जो हमारा दहाई के अंक में है। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में इस हासिल को जोड़ेंगे तो 9 × 3 = 12 हो जाएगा। यानी आपको देख सकते हैं कि 36 का जो स्क्वायर होगा दोस्तों वो 1296 होगा। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो 1296, है ना, 1296। यहाँ पर कौन सा आंसर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। अब इसका एक ट्रिक समझ लीजिए भाई, यहाँ पर विषम प्राकृत संख्याओं के बारे में बात की जा रही है। तो विषम प्राकृत संख्याओं का सम निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या कर देना है, कितने उसमें नंबर्स हैं उसका स्क्वायर कर देना है। भाई यहाँ पर 72 से कम कितने विषम प्राकृत संख्याएं होंगी, 36 होंगी, 36 का सीधे स्क्वायर कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। वही चीज़ ना है, वही चीज़ तो है यहाँ पर, चाहे फार्मूला लगा के करें चाहे आप डायरेक्टली ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपके पास 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। तो 20 पहले 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 400 सीधा सीधा आंसर, ठीक है। तो ट्रिक्स लगाते हैं आप लोग तो आपको कम समय लगने वाला है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अगला सवाल। अब इस सवाल को देखिए दोस्तों, बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है। अगर आप इस सवाल को पहली बार कर रहे हैं ना, पक्का है कि आप गलती करेंगे। आप एक बार वीडियो पॉज करके एक बार लगाइए इस सवाल को, ठीक है, अपने से लगाइए और फिर देखिए इसका सलूशन क्या आने वाला है। पक्का आप गलती कर जाएंगे इसमें। आपको यहाँ पर प्रश्न पढ़ने में आप थोड़ा सा गलती कर जाएंगे, अगर आप प्रश्न को ठीक से पढ़ लेते हैं तो आपका आंसर सही आ जाएगा। यहाँ पर बोला है दोस्तों, देखिएगा, बोला है आपको पूर्ण संख्याओं का योग। पूर्ण संख्याएँ कहाँ से शुरू होती हैं, होल नंबर्स, है ना। पूर्ण संख्याओं का मतलब होता है होल नंबर्स, होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होती है दोस्तों, होल नंबर्स हमारा शुरू होता है 0 से। अगर हम आपसे कहें कि पहली 3 पूर्ण संख्याएं कौन सी होंगी, तो पहली 3 पूर्ण संख्याएं, मतलब कि पूर्ण संख्याएं शुरू होता है 0 से, तो पहला पूर्ण संख्या 0 होगा,
दूसरा एक होगा और तीसरा हमारा दो हो गया। मतलब अगर हम आपसे कहें कि तीन पूर्ण संख्याएं लिखना है तो आप लिखेंगे 0, 1, 2। इसी तरीके से जब हम आपसे कहें कि पहली 200 पूर्ण संख्या है तो 200 पूर्ण संख्या में आप कहाँ तक जाएंगे? 199 तक ही जाएंगे। ठीक है, यहीं पे गलती हो जाता है। पूर्ण संख्याओं का मतलब वो सीधे सीधे समझ लेते हैं कि 1 से लेकर 200 तक का सम निकाल देते हैं, वहीं पे गड़बड़ी कर देते हैं। ठीक ना, तो आपको ऐसा नहीं करना है। पहली 200 पूर्ण संख्याएं बोला है तो पहला पूर्ण संख्या हमारा 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 होगा, फिर उसके बाद 2 होगा, फिर उसके बाद 3 होगा, और ऐसे करते करते जब 200वें नंबर पर पहुंचेंगे तब वो होगा हमारा 199। ठीक है, क्योंकि 0 भी हमारा साथ में शामिल हो गया है, तो जब हम 200 नंबर पर पहुँचेंगे तो हमारा 199 आएगा। समझ में आएगी बात की नहीं? अब इसको जोड़ना है आपको, तो 0 को तो हटा दीजिए भाई, 0 को जोड़ना ना जोड़ना कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, 0 को हटा दीजिए। आप यहाँ से और यहाँ तक का सम निकाल दीजिए। इसका सम निकालने के लिए हमने आपको फार्मूला भी बताया था, क्या होता है ये होता है दोस्तों कि इसमें देख लीजिए नंबर्स कितने हैं, तो आप देख पाएंगे कि 1 से लेकर 199 तक कितने नंबर हैं, 199 ही नंबर होंगे, है ना, 199। और डिवाइड में आपको 2 करना है, और a प्लस l मतलब पहला और लास्ट वाला, तो पहला 1 है, अंतिम में 199 है, दोनों को जोड़िए तो आ जाएगा आपका 200। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से इसको काट दीजिए, 2 से ये कितनी बार में कट जाएगा आपका, 100 बार में कट जाएगा, है ना, 100 को 199 से गुणा करिए तो 199 लिख के और 2 0 चिपका दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए कितना आसान है। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट पता आपको कॉन्सेप्ट चीज़ें ठीक से पता है तभी आप इस सवाल को लगा पाएंगे, वरना आप सीधे सीधे 1 से लेकर 200 तक का सभी का योग निकाल देंगे जो कि वहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक ना, चलिए उम्मीद करते हैं कि क्लियर हुआ होगा आपको। आगे देखते हैं हम लोग, अगले सवाल के पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, इस सवाल को करने के लिए एक बेहद ही खास ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग आपको 144 दे रखा है, पहली संख्या और अंतिम संख्या का एलसीएम क्या होगा ये आपको बताना है। बड़े गौर से समझिएगा, यहाँ पर आपको क्या बोला है, 4 क्रमागत विषम संख्याएं। ठीक है, 4 क्रमागत, 4 क्रमागत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि आपके पास नंबर्स कितने दिए हैं, 4 दिए हैं, ऐसे 4 जगह बना लीजिए। इन सभी का टोटल दिया है दोस्तों 144। ठीक है, सभी को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 144 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, अगर इन नंबर्स को निकालना है आपको, तो टोटल यहाँ पर हैं कितने नंबर, 4 नंबर हैं, है ना। इस 4 से आप इस सम को डिवाइड कर दीजिए, है ना, जितने नंबर्स हैं उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे टोटल को। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 3 12, बचा कितना, 2, और 4 6 24, यानी 36 आ गया। अब ये जो 36 है ना दोस्तों, इन सभी नंबर्स के बीच में होगा, बीच में होगा, तो देख लीजिए 2 इधर छोड़ेंगे, 2 इधर छोड़ेंगे, 36 आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर होगा। अब आपको क्या बोला है, विषम संख्याओं के बारे में बोला है, तो 36 जो है विषम संख्या तो है नहीं, तो 36 के जस्ट आगे वाला विषम संख्या क्या होगा, 37 होगा, और 36 के जस्ट पहले वाला विषम संख्या क्या होगा, 35 होगा, है ना। अब 37 के आगे कौन सा विषम संख्या होगा, क्योंकि विषम संख्याओं का ही योग पूछा है, ये हो जाएगा 39, क्योंकि लगातार बोला है ना भाई, तो लगातार आप आसानी से बता सकते हैं। 35 के जस्ट पहले क्या होगा, आपका 33 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पहली संख्या और लास्ट संख्या पता चल गया, इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो निकाल लीजिए भाई एलसीएम, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये है 33 और ये है आपका 39, तो 33 और यहाँ पर 39, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है ना, तो इन दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, पहले तो वो देख लीजिए। देखिए यहाँ पर 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, दोनों में 3 कॉमन है, तो यहाँ पर 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 11 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 13 3 39, यानी 13 बचेगा। अब 11 और 13 का तो एलसीएम तभी निकलेगा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 11 और 13 यानी ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 3 4 1, मतलब 11 और 13 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 143, है ना, 13 × 11 करेंगे तो 143 आ जाएगा। लेकिन ये 3 तो अभी है ना, इस 3 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कितना होगा, 14 3 42 और 3 3 9, 429 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों। तो इस तरीके से जब भी क्रमागत सम संख्याएँ बोले, विषम संख्याएँ बोले, या फिर क्रमागत संख्याएँ ही बोल दे, प्राकृत संख्याएँ, और उनका टोटल दिया रहे, तो आप यहाँ पर उन संख्याओं को कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपसे बोलता कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इतना है, तो हम 7 से डिवाइड करते, अगर 6
क्रमागत सम संख्याओं का योग बोलता तो हम 6 से डिवाइड करते और उसी तरीके से हम अपने आंसर को ले आते। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, ये भी बहुत प्यारा सा सवाल है। अंकों 3, 7, 0 और 9 से निर्मित यानी बनाया गया 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा यदि संख्या में अंकों का प्रयोग सिर्फ एक ही बार किया गया हो। हमारे पास जो संख्याएं हैं दोस्तों वो है 3 है, 7 है, 0 है और 9 है। इन्हीं 4 संख्या को मिलाकर सबसे बड़ा संख्या भी बनाना है और सबसे छोटा संख्या भी बनाना है और उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा ये भी आपको पता करना है। बशर्ते यहाँ पर आपको इन नंबर्स को दोबारा प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। इन्हीं 4 नंबर्स को मिलाकर सबसे बड़ा भी और सबसे छोटा भी। सबसे बड़ा संख्या कैसे बनाएंगे? तो सबसे बड़ा संख्या बनाने के लिए आपको यहाँ पर जो सबसे बड़ा होगा उस अंक को पहले लिखना है। तो यहाँ पर इन चारों में से देखिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9 है, तो 9 को यहाँ पर पहले लिख दीजिए। फिर इसके बाद उससे छोटा 7 है, फिर 7 से भी छोटा यहाँ पर 3 है, फिर सबसे छोटा 0 है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो बन गई। अब आपको यहाँ पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो आप यहाँ पर गलती थोड़ा सा करेंगे। क्या गलती करेंगे ये समझिएगा भाई, आपको कहा है कि छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो कैसे निकालेंगे? आप पहले छोटी संख्या को रखेंगे यानी 0 को रखेंगे, फिर आप रखेंगे उसके बाद 3 थोड़ा सा बड़ा, फिर इसके बाद 7, फिर इसके बाद 9। लेकिन ये 4 अंकों की थोड़ी ना हुई दोस्तों, ये तो सीधा सीधा देखा जाए तो 3 ही अंक का हुआ। अगर हम 0 को शुरू में रखते हैं तो ये 3 ही अंक का तो बना, शुरू में 0 रखने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, कोई मतलब तो है नहीं, तो ये 3 ही अंक का बना, ये 4 अंक का थोड़ी बना। 4 अंक का बनाने के लिए आपको क्या करना है, इस 3 को इधर शिफ्ट कर दीजिए और इस 0 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। याद रखिएगा 0 को शुरू में नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 3 इधर आ गया, फिर 0 हो जाएगा, फिर 7 और 9। ये सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी, इन दोनों में डिफरेंस पूछा था, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों घटाकर 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर 12, 12 में से 5, 7 गया 5 हो जाएगा आपका। कौन सा आंसर आ रहा है लास्ट में, 51 इसमें आ रहा है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 6 बचा, ये हो जाएगा 6 और 9 में से 3 गया 6, है ना, 6, 6, 51 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों में गलती मत करिएगा, है ना। आपको बोल दिया, आप यहाँ पर अगर आपको नहीं पता होता तो ज़रा सोचिए, आप सीधे सीधे 0, 3, 7, 9 से नहीं घटा देते, बिल्कुल घटा देते और आपका आंसर गलत आ जाता, फिर आप वहाँ पर परेशान हो जाते, है ना। तो ऐसे आपको नहीं करना है। चलिए उम्मीद करते हैं कि क्लियर हुआ होगा आपको। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये भी एकदम लाजवाब सवाल है, ध्यान से इसको समझिएगा दोस्तों। अब इसके लिए आपको एक रूल जानना पड़ेगा, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल, यानी 11 से विभाज्यता का नियम जानना पड़ेगा। 11 से विभाज्यता का नियम हम आपको बड़े अच्छे तरीके से बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर कोई नंबर, जैसे मान लीजिए हम कोई भी नंबर यहाँ पर रेंडमली लिख रहे हैं, जैसे हो गया 3, हो गया 0, 7, फिर 8, 6, 9, 2, ठीक है, ये एक नंबर है। अब इसको चेक करना है भाई कि ये 11 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, यानी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा। तो आपको 11 से, है ना, 11 से डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, रूल हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, रूल, है ना, काहे का रूल, 11 से डिविजिबिलिटी, 11 से डिविजिबिलिटी, ठीक ना। रूल समझिएगा क्या कहता है, 11 से अगर डिविजिबिलिटी पता करना है दोस्तों कि डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो आपको अल्टरनेट नंबर्स का सम, अल्टरनेट नंबर्स का सम, तो अल्टरनेट नंबर्स का सम पहले आपको देखना है। अल्टरनेट का मतलब एक एक छोड़कर, तो यहाँ देखिए 3 और 7, 10, है ना, एक एक छोड़ के करना है आपको, 10 और 6, 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18, है ना, तो ये आ गया 18। फिर आपको क्या करना है यहाँ पर, और जो बचे हुए अल्टरनेट नंबर है उनको भी जोड़ लीजिए, तो 0 और 8, 8 ही हुआ, 8 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 17, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है आपको, अगर डिफरेंस क्या आ जाए, 0 या 11 का कोई गुणा जा जाए, मतलब मल्टीपल आ जाए, 11 आ जाए या 22 आ जाए या 33 आ जाए या 44 आ जाए या 55 आ जाए, इस तरीके से, तभी वो 11 से कटेगा।
अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0 आता है या फिर 11 का कोई गुणा जाता है तभी वो संख्या 11 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंस आया है 18 माइनस 17 करेंगे तो 1 आएगा, 1 आया मतलब ना तो 0 आया ना 11 का कोई गुणा जाया, इसका मतलब यह नंबर 11 से नहीं कटेगा। समझ में बात आ गई कि नहीं? तो 11 से कटने के लिए इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 0 या तो 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए तभी वो 11 से कटेगा। अब यहाँ पर ये कह रहा है, इस सवाल में देखेगा कि भाई ये 11 से कट रहा है, इसका मतलब अल्टरनेट नंबर्स के सम का डिफरेंस या तो 0 होगा या 11 का कोई मल्टीपल होगा, उसी हिसाब से हम यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे। चलिए, ज़बरदस्त सवाल है, ध्यान से समझिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो नंबर दिया है दोस्तों वो क्या है, वो है 8, 2, 1, 9 और x, ठीक है। ये कह रहा है कि ये 11 से कट जाएगा, ठीक है, 11 से कट जाएगा। तो जब 11 से कट जाएगा भाई, तो 11 से कट जाएगा इसका मतलब अल्टरनेट नंबर्स के सम का डिफरेंस जो है वो तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो अल्टरनेट नंबर्स का सम ले लीजिए, 8 और 1 9, 9 और प्लस एक्स, यानी ये कितना हुआ, 9 प्लस एक्स हो गया। चलिए और यहाँ पर देखिए इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 9 और 2, भाई ये भी तो अल्टरनेट है, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है या तो वो 0 आ जाए या फिर 11 या फिर 22 या 33 44 इस तरीके से आ जाए। अब इसको अगर 0 करना है दोस्तों तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा भाई, इसको टोटल 11 होना पड़ेगा तभी तो 11 में से 11 घटा के 0 आएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 में कितना जोड़े तो 11 हो जाए, 9 में हम 2 जोड़ेंगे, यानी x का वैल्यू यहाँ पर 2 होना चाहिए, x का वैल्यू 2 होना चाहिए तब हमारा ये सेटिस्फाई हो पाएगा। मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि भाई यहाँ पर हम 11 भी तो ला सकते हैं, है ना, 11 भी तो ला सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब यहाँ पर इस टोटल का वैल्यू आपको 11 लाना है, तो 11 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 22 में से 11 घटाना पड़ेगा। तो 9 में से कितना जोड़े कि 22 हो जाए, है ना, 9 में से कितना जोड़ें कि ये 22 हो जाए। तो आप यहाँ पर 9 में से भाई 9 और प्लस 13 करेंगे तब तो ये 22 होगा, और 22 में 11 घटाएंगे तो 11 होगा। अब x का एक वैल्यू यहाँ पर 13 भी क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई ये जो x है वो एक कोई डिजिट ही तो होगा, अंक होगा कि कोई संख्या होगा, लेकिन ये जो 13 आया है वो एक संख्या आया है, इसमें सिर्फ एक ही अंक नहीं है, लेकिन जो x है वो एक अंक में आना चाहिए। तो एक अंक में क्या पॉसिबल है हमारा, सिर्फ दो ही पॉसिबल है, 13 हमारा यहाँ पर नहीं हो सकता। बात समझ में आया कि नहीं, तो यहाँ पर 13 इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि x जो है वो एक डिजिट में आएगा, सिंगल डिजिट में आएगा। बात समझ में आई कि नहीं, तो ये कन्फ्यूज़न भी आपका दूर हो गया हो दोस्तों, और अब आपको 11 से डिविजिबिलिटी का रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, एक सवाल हम लोग यहाँ पर और करते हैं। चलिए इस सवाल को देखिएगा, ये सवाल है हमारा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पर आधारित, है ना, बड़ा ही आसान सा सवाल है, आप लोग इसको चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको स्थानीय मान और अंकित मान, मतलब स्थानीय मान का मतलब प्लेस वैल्यू और अंकित मान का मतलब फेस वैल्यू, इन दोनों का मतलब पता है तो आप लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। देखिए थोड़ा सा हम मतलब यहाँ पर समझा देते हैं दोनों का मीनिंग। यहाँ पर देखिए क्या है, आपका यहाँ पर प्लेस वैल्यू है और आपका फेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर आपको क्या बोला है, एक संख्या दे दिया गया है ना, 2, 0, 6 और 7, 4, 3। अब आपको यहाँ पर किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना है, प्लेस वैल्यू की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपको क्या बोला है, 6, है ना, तो 6 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए इस 6 को लिखिए और 6 के बाद देखिए कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 3 अंक है तो इसमें 3 जीरो लगा दीजिए। भाई जब हम इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी 6 जो है वो हज़ार वाले नंबर पर है तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 6000, सीधी सी बात है। अगर हम 7 का प्लेस वैल्यू निकालें तो 7 का कितना हो जाएगा, पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 7 और 7 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो चिपका देंगे, 700 इसका प्लेस वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर इसमें 6 का जो प्लेस वैल्यू होगा दोस्तों, प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 6000 हो जाएगा, ठीक है। और जो फेस वैल्यू होता है, अब बात समझिएगा, फेस वैल्यू का मतलब हो गया अंकित मान, है ना, फेस वैल्यू। तो आपका फेस वैल्यू क्या होगा,
जो आपका फेस जैसा दिखेगा वही तो है फेस वैल्यू, मतलब छः जैसा दिख रहा है वही उसका अंकित मान होगा यानी फेस वैल्यू होगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो किसी भी नंबर का फेस वैल्यू वही नंबर होता है, छः का फेस वैल्यू छः ही होगा, सात का फेस वैल्यू सात ही होगा, तीन का फेस वैल्यू तीन ही होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का टोटल पूछा था, सम पूछा था, तो यहाँ पर 6000 और फेस वैल्यू 6 का क्या होगा, 6 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये सीधे सीधे आ जाएगा आपका 6006, यानी यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों क्या होते हैं, ठीक ना। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण सवालों को हमने किया है जो कि प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए सवाल हैं रेलवे के अंदर, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन आज का पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार सवाल लेकर। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पिछले तीन वीडियोस मिल जाएंगे, उन तीनों वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उसमें भी हम लोग करवा रखे हैं, ठीक ना। चलिए आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।